भ्रष्टाचार इन सभी के खिलाफ साथ को आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में हम लोग महामहिम से गुहार लगाने राजभवन मार्च करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा ये बिहार हर एक बिहार वासियों का हक है और जिसे सत्ताधारी पार्टी सिर्फ चुनावी मुद्दा लेकर चलती है, चुनाव आती है तो राग अपनाती है और उसके बाद भूल जाती है कि कभी हमने मांगा था विशेष राज्य का दर्जा। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिम्मेवार हैं, साथ में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब आप अपराधी और माफिया को टिकट देंगे तो बिहार में आप अपराध मुक्त की बात कैसे करेंगे। जब भी टिकट की बात होती है, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जी अपराधी है, माफिया है, उनको टिकट दिया गया है और बिहार में आप चाहिएगा कि अपराध मुक्त कर लें, आम आदमी है जो भय मुक्त हो जाए, तो ये होगा नहीं। तो इन सभी को लेकर अभी मिल्की पर दिव्यांग भागीरथ जी के साथ क्या हुआ, उनकी बेरामी से हत्या कर दी गई। यही मोरा तलाव के बगल में बिहार शरीफ, वहां हम लोग पहुंचे थे, उनके परिवार को तत्काल 15,000 रुपए का मदद और आगे दिन भी सहयोग करने का वादा किया और उनको न्याय भी दिलाकर रहेंगे। लेकिन प्रशासन का हाथ खाली क्यों है? अभी प्रशासन अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पाई? इन सभी सवालों को लेकर हम लोग राजभवन मार्च करेंगे और आज ये प्रखंड जितने भी हमारे नालंदा जिला के प्रखंड अध्यक्ष थे उन सबों को यहाँ पर बैठक किया गया था मोरा तलाव ये सामुदायिक भवन बिहार शरीफ में, और इसमें भारी मात्रा में राजभवन मार्च में नालंदा जिला से भाग हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी का स्पष्ट कहना है कि हम माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, चाहे मुझे जो हो जाए, मैं लड़ाई जारी रखूंगा, संघर्ष जारी रखूंगा और वैसे व्यक्ति को भी। लगातार रोड पर है, शुरू से रोड पर है हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी, 24 घंटा जनता के लिए वो संघर्ष करते रहते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते रहते हैं। हम लोग राजभवन पहले भी मार्च किए हैं, लगातार किए हैं, अब लाठी चले चाहे गोली चले, हमारे नेता तो डरने वाले नहीं है और उनके जितने भी सिपाही हैं वो भी नहीं डरेंगे। स्पष्ट, धन्यवाद।